दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे और आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है हिंदी नोटियान। दोस्तों, बात जब होती है किसी प्रकार के ऑनलाइन कमाई की तो हमें कितना बढ़िया लगता है यह सुनने में कि हम घर पे बैठे कर अपने कंप्यूटर से पैसे कमा सकते हैं और हमें किसी के अंडर काम नहीं करना होगा। हम अपने कंप्यूटर से कुछ ऐड या लिंक वगैरह पर क्लिक करेंगे और हमें पैसे मिल सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के जितने भी कमाई करने वाले कंपनियां हैं उनका कोई ठिकाना नहीं है, वो कभी भी भाग सकती है। हाँ दोस्तों, इसमें पहले जो ज्वाइन करते हैं उनमें से कुछ लोगों को पैसे तो मिलते भी हैं, पर जब लोग कंपनी पे भरोसा करने लगते हैं और काफी ज्यादा लोग इसमें ज्वाइन कर लेते हैं तो पेमेंट देना ये कंपनी जो है सो बंद कर देती है। दोस्तों, आज हम इसी प्रकार के कंपनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है सोशल ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी ने लगभग 7 लाख लोगों के 3700 करोड़ रुपए के ठगी का मामला सामने आया है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये क्या है सोशल ट्रेड। दोस्तों, सोशल ट्रेड अविलेज इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की एक इकाई है। इसकी शुरुआत अगस्त 2015 में हुई थी। यह सोशल मीडिया के पोस्ट को क्लिक करने के पैसे देती है। सोशल ट्रेड काम कैसे करती है दोस्तों, यह जान लेते हैं। इस वेबसाइट पर काम करने के लिए मेंबरशिप लेनी पड़ती है। इसमें 4 प्लान है मेंबरशिप के। STP 10, इसमें 10 क्लिक पर डे मिलेंगे और इसका जो है ज्वाइनिंग फी 5,750 रुपए देने होते हैं। STP 20, इसमें 20 क्लिक पर डे मिलते हैं और इसमें 11,500 रुपए ज्वाइनिंग फीस देने होते हैं। उसके बाद STP 50 है, इसमें 50 क्लिक पर डे मिलते हैं, इसमें 28,750 रुपए लगते हैं। STP उसके बाद 100 है और ये सबसे ज्यादा का प्लान है, 57,500 रुपए इसमें लगते हैं और इसमें डेली 100 क्लिक मिलते हैं और पर क्लिक के 5 रुपए मिलते हैं। इनकी वैलिडिटी 1 वर्ष के लिए होती है और 1 वर्ष के बाद पुनः इन्हें रिन्यू करना होता है। सोशल ट्रेड के अनुसार जो लिंक वह अपने कस्टमर को भेजते हैं वो लिंक मुख्यतः उन लोगों की वेबसाइट और फेसबुक पेज से होते हैं जो अपना प्रचार के लिए सोशल ट्रेड को पैसे देते हैं। कंपनी उन लोगों से हर क्लिक के 10 से 15 रुपए लेती है। इसमें हर क्लिक के 5 रुपए अपने क्लिक करने वालों को देती है। अब दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जांच चल रही है कि सही में एडवर्टाइजर सोशल ट्रेड को 10 से 15 रुपए हर क्लिक के देते थे। अगर यह सत्य है तो कंपनी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और कंपनी वापस से फिर आ सकती है। अगर कंपनी अपने कस्टमर को पोंजी स्कीम के तहत पैसे देती थी तो ये बहुत बड़ा स्कैम होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, पैसे कमाने के कोई शॉर्टकट नहीं होते। दोनों ही फील्ड में आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। दूसरी बात, जॉब लेने के पैसे नहीं लगते हैं, जॉब करके काम करने के पैसे मिलते हैं, इसमें पैसे देने नहीं होते हैं किसी भी जॉब। और दोस्तों, अंत में ऑनलाइन अर्निंग के लिए हमारे पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट से अर्निंग नहीं होती है, अर्निंग स्किल से होती है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के कंपनी में ऑनलाइन अर्निंग के लिए अगर ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले कंपनी के बारे में सर्च इंजन में सर्च करें, उसके बाद लोगों के रिव्यू पढ़े, उसे अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद ही ज्वाइन करें। और ज्वाइनिंग फी वाले कंपनी से सावधान रहें, क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग फी देते हैं तो आपको उन कंपनी के साथ साथ उनके काम करने की मजबूरी हो जाती है और अगर कोई स्कैम होता है तो आपका पैसे के साथ साथ आपका समय भी बर्बाद हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात अब सोशल ट्रेड की कर लेते हैं, जिन्होंने इसमें पैसे लगाए हैं अगर वो चाहें तो अपना रिफंड ले सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के मालिक के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्कीम के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।